वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल Enjoy English with Bhavya Ma'am. आज हम करेंगे 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय GL Fuentes. GL Fuentes मीन्स Gregorio Fuentes एंड ही वॉज अ मैक्सिकन नॉवलिस्ट पोइट एंड जर्नलिस्ट. Now, the story A Letter to God depicts the unwavering faith of a farmer in God. It begins with the farmer, जिनका नाम क्या है, लेंचो है, एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा रेंज ओवर होगा जिससे क्या होंगी उसकी जो फील्ड्स हैं वो न्यूरिश हो जाएंगी और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि हार्वेस्ट जो है वो बहुत अच्छी होगी, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा जैसे कि उसको हर साल होता है. लेकिन क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम द हाइट. देखो ये जो घर था किसका, लेंचो का. ये सिर्फ एक सिंगल घर था इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में. कहाँ पर? सेट ऑन द क्रेस्ट. क्रेस्ट होता है बेटा टॉप ऑफ अ हिल, ऑफ अ लो हिल. लो हिल क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जो हिल थी ना वो थोड़ी सी कम हाइट की थी. उसकी टॉप पे क्या था, एक हाउस था जिसमें कौन रहता है, लेंचो. वहाँ से वन कुड सीधा आप लोग रिवर भी देख सकते हो, फील्ड ऑफ उसकी जो फील्ड थी किसकी, पके हुए कॉर्न्स की, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो किससे भरी हुई थी, डॉटेड यानी फुल ऑफ, वो किससे फुल ऑफ थी, फ्लावर से, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. जिसको देख के क्या लग रहा था कि एक अच्छी हार्वेस्ट होगी, वो एक प्रॉमिसिंग वे में थी. द ओनली थिंग, अर्थ को सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, किसकी, जो हर एक फार्मर को होती है. हर फार्मर क्या चाहता है, बारिश चाहता है ना. तो यहाँ पर भी हमारा फार्मर क्या चाह रहा है, उसको भी सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, किसकी, डाउनपोर की. डाउनपोर यानी हैवी रेन की, और एटलीस्ट अ शोवर. और अगर हैवी रेन नहीं होती तो कम से कम एक शोवर ज़रूर हो, माइल्ड रेन ज़रूर हो, हल्की फुल्की बारिश ज़रूर हो. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो क्या करता है, मतलब पूरी मॉर्निंग से वो क्या किए जा रहा है, वो अपनी फील्ड्स को देख रहा है इंटीमेटली यानी क्लोजली, बहुत ध्यान से. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. और वो क्या किया उसने, और कुछ भी नहीं किया सिवाय किसके, गेज करने के, देखने के. स्काई को देख रहा है किस तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ. क्यों देख रहा है, विद एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन किसकी है, उसको बारिश की. दैट्स वाई ही इज कॉन्टिन्यूसली लुकिंग. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब वो क्या कहता है कि मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि हमें ना थोड़ा बहुत पानी मिलेगा. किसको, वुमेन को कह रहा है. वुमेन कौन है यहाँ पर, इसने हमें बताया नहीं है, बट इट मे बी हिज वाइफ. ठीक है, तो वुमेन क्या कर रही है, शी वॉज प्रिपेयरिंग सप्पर. सप्पर क्या होती है, इवनिंग मील. वो शाम का खाना बना रही होती है. एंड शी रिप्लाइड, येस गॉड विलिंगली, हाँ प्रभु इच्छा, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगी. द ओल्डर बॉयज़ जो है वो क्या कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, जबकि जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, घर के पास खेल रहे हैं. जब तक वो जो वो लेडी है, वो वुमेन है, उनको नहीं बुलाती, किस लिए, डिनर के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. अब क्या होता है कि सडनली लेंचो, प्रिडिक्ट करना क्या होता है, किसी भी बात को एडवांस में कहना. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है क्या, कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं बारिश की वो आने वाली हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स, जो क्या उम्मीद लेके आ रहे हैं कि क्या आएगी, बारिश आएगी. लेंचो जो है वो फटा, एयर जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होती है, स्वीट होती है. और लेंचो जो है वो और किसी रीज़न के लिए नहीं, वो बाहर जाता है किसको फील करने के लिए, रेन को, उसकी ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए. और जब वो वापस आता है ना, ही एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या है, क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज. वो क्या बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. वो बोलता है कि ये जो बारिश की बूंदे हैं ना, ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है, ये सिर्फ, ये एक न्यू कॉइन्स भी हैं. कॉइन कैसे हैं, क्योंकि जितनी बारिश आएगी उतनी उसकी फसल अच्छी होगी, और जितनी फसल अच्छी होगी उतनी उसकी इनकम होगी. तो वो क्या बोलता है कि ये रेन ड्रॉप्स जो हैं ये न्यू कॉइन्स हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड लिटल वन आर 5. 10 सेंट पीसेज यानी अ सॉर्ट ऑफ करेंसी. वो बोलता है कि जो बड़े बड़े हैं ना, लार्ज ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं बारिश की, वो किसके इक्विवेलेंट है, 10 सेंट के, 10 सेंट के. और जो छोटे वाले हैं वो किसके इक्विवेलेंट है, 5 सेंट के. वो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसको इंश्योर कर रही हैं कि उसकी एक अच्छी क्रॉप होगी, एंड विच वुड इवेंचुअली गेट देम अ लॉट ऑफ मनी. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन
ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स. अब क्या है कि अब वो देख रहा सारी चीज़ें एज पर हिज एक्सपेक्टेशन. लैंको जो है वो ही रिगार्डेड, रिगार्डेड होता है कंसीडर करना. वो अपने कॉर्न को देखता है, उसमें फ्लावर्स हैं. ड्राफ्ट इन ए कर्टन ऑफ रेन, ड्राफ्ट क्या होता है कवर, वो पूरे किससे कवर है, रेन से, ठीक है. बट सडनली, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग विंड चली, बिगेन टू ब्लो, एंड अलोंग विद द रेन, बारिश तो आई, लेकिन बारिश के साथ साथ क्या है, बड़े बड़े हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म क्या होता है, ओले गिरना, आप कह सकते हो स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, वो गिरने लगे. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. रिजेंबल क्या होता है, सिमिलर लगना. ये इतने मोटे मोटे ओले थे ना, ऐसे लग रहा था जमे हुए ऐसे फ्रोजन रेन में जैसे कि कोई सिल्वर के कॉइन्स हों. द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन pearls. अब क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं वो बाहर जाते हैं खेलने के लिए और होयल स्टॉम्स को कलेक्ट कर रहे करते हैं, और जो कैसे क्या लग रहे होते हैं, लुक लाइक फ्रोजन pearl. फ्रोजन pearl किसके लिए खाए इसने, हेल स्टॉम के लिए, ठीक है. हेल स्टॉम को वो क्या कह रहा है, फ्रोजन pearl. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन. अब क्या हुआ, सारा कुछ उसके अगेंस्ट हो गया. अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया. ही स्टार्टेड वरिंग. और उसको उम्मीद क्या थी, वो वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो वो क्या होप कर रहा है कि इट पासिस क्विकली, कि ये फटाफट ख़त्म हो जाए. इट डिडंट पास क्विकली. लेकिन ये जो है ईजिली ख़त्म नहीं हो रहा था, क्विकली फटाफट नहीं, बारिश रुक रही थी, हेल स्टॉर्म नहीं रुक रहे थे. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. एक घंटे तक क्या हुआ, बारिश होती रही होती रही. द गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, होल वैली, पूरी जगह क्या हुआ, हेल स्टॉर्म भर गए. फील्ड पूरी की पूरी वाइट हो गई, इतनी ज़्यादा वाइट हो गई कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई साल्ट भी से भरी पड़ी हो. साल्ट भी वाइट होता है ना, छोटा छोटा वाइट वाइट लग रहा होता ऐसे. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. एक सिंगल लीफ भी नहीं दिखाई दे रही थी. कहाँ पर, ट्रीज पे. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया कि सारी चीज़ें जो हैं उसके अगेंस्ट चली गई, अपोजिट हो गई. फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट्स से क्या हुआ, फ्लावर्स भी चले गए. लैंको की जो सोल है वो किससे भर गई, सैडनेस से भर गई. बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो गया. और जब स्टॉर्म पास हो गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड. वो कहाँ पर खड़ा हुआ, अपने फील्ड्स के मिडल में खड़ा हुआ. और उसने अपने सन्स को बोला, अपने बच्चों को बोला, क्या अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. वो बोलता है कि जो प्लेग क्या होता है, विनाश करना, कोई चीज़ ख़राब करना. लोकस्ट क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म, जो क्या करता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा इंसेक्ट है जो ग्रास होपर की तरह लगता है. एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड, ये किस लिए होता है कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए. वो कहता है अगर ये प्लांट भी हम, अगर ये इंसेक्ट भी होता ना और हमारी फसल को ख़राब करता, तब भी इतनी ख़राब नहीं होती जितनी किससे हुई है, इस हेल स्टॉर्म से हुई है. और वो क्या फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है. वो कहता है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल ने क्या किया हमारे लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा. मतलब ये जो स्टॉर्म है ये क्या प्रूव हुई है, वर्स देन दैट द क्रॉप डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट्स. ऑल देयर हार्ड वर्क हैड गॉन मीन. नाउ दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न. अब हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. ये जो रात थी बहुत ही दुख वाली थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. ऑल आवर वर्क यानी हार्ड वर्क. हमारा जितना भी हार्ड वर्क था वो क्या हो गया, नथिंग. नथिंग यानी वेन, बेकार हो गया. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करेगा. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हम लोग सारे जो हैं इस साल क्या हो जाएंगे, हंग्री रहेंगे, स्टार्व करेंगे, भूखे रहेंगे. बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ अ वैली देर वॉज अ सिंगल होप, होप फ्रॉम गॉड. अब क्या था, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, कि सभी के दिलों में जो भी उस वैली में रह रहे थे, मिडल ऑफ द वैली, सबको सिर्फ एक ही उम्मीद थी. क्या, किसकी उम्मीद थी, भगवान की. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. वो क्या कहते हैं, एक होता है ना सेल्फ कंसोल करना, कि कोई बात नहीं, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है.
हालांकि नो डाउट कि पूरा का पूरा लॉस हुआ है, लेकिन ये बात याद रखो, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. हम लोग कहते हैं ना, भगवान किसी को भूखा नहीं मारता. तो वो एक पॉजिटिव एक फेथ है भगवान में इन द अमाइची, दैट इवन आफ्टर नथिंग वॉज लेफ्ट दे गिव ईच अदर सपोर्ट एंड रिकॉल. वो एक दूसरे को अश्योर कर रहे हैं दैट नो वन एवर डाइज ऑफ स्टारवेशन. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help from God. अब क्या हुआ, पूरी रात Lancho ने क्या किसके बारे में सोचा, एक ही उम्मीद, उम्मीद किसकी थी, भगवान की. Whose eyes as he has been instructed, जिनकी आंखें हर चीज़ को देख रही होती हैं. Even what is deep in one conscience, conscience मतलब कि हमारे अंदर, inner sense, हमारे अंदर हमें पता होता है ना क्या गलत है क्या सही है. तो जो भगवान की आंखें हैं वो सब कुछ देख रही हैं, सही भी गलत भी, everything. Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields. Lancho कौन था, वो एक ox of a man था. Ox यानी ox of a man, यहाँ पर क्या कह सकते हो आप, एक hard working man था. Working like an animal in the fields, fields में animals की तरह काम करता था. But still he knew how to write, लेकिन फिर भी वो ये जानता था कि किस तरीके से लिखना है. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry down. अब क्या हुआ, उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि फॉलोविंग संडे, जो आने वाला संडे है, मैं क्या करूँगा एट डे ब्रेक. डे ब्रेक क्या होता है, टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट जस्ट अपीयर, जब सुबह सुबह का टाइम होता है मॉर्निंग में, जब डे लाइट जस्ट आई रही होती है, उस टाइम पर मैं एक लेटर लिखूँगा और ख़ुद टाउन में लेके जाऊँगा और मेल में डालूँगा. वो क्या होगा लेटर, इट वॉज नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, ए लेटर टू गॉड. भगवान को एक लेटर लिखेगा. वो क्या लिखता है, वो गॉड ही रॉट, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे ना, मेरी फैमिली और मैं भूखा मर जाऊंगा इस साल, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है. पीसोस क्या है, एक करेंसी है कहाँ की, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की. मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है अपनी फील्ड को दोबारा से उगाने के लिए, सो करने के लिए, और उतने पैसे मुझे तब तक भी सर्वाइवल के लिए चाहिए जब तक मेरी क्रॉप दोबारा नहीं आती है, क्योंकि हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने क्या किया है, मेरी सारी क्रॉप को ख़राब कर दिया. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. अब क्या करता है वो, उसने लिखा, ही रोट टू गॉड, ही रोट टू, उसने एनवेलप के ऊपर लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इन साइड, लेटर को अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, परेशान होता हुआ टाउन की तरफ गया. एट द पोस्ट ऑफिस में पहुंच के उसने क्या किया, उस पर स्टैंप लगाई लेटर के ऊपर और ड्रॉप किया लेटर को किस में, इन टू द मेल बॉक्स. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वहाँ पर एक एम्प्लॉई हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था, अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया और उन्होंने, उसने क्या किया, अपने पोस्ट मास्टर को जाके वो लेटर दिखाया. कौन सा लेटर, टू गॉड. नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में पोस्टमैन ने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था. और जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, वो भी काफ़ी फैट था, एमिएबल था, एमिएबल यानी फ्रेंडली और प्लीजेंट पर्सन था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी बहुत हंसी आई. बेटा नेचुरल है ये, कोई भी होगा, अगर मान लो कोई उसकी जगह हम भी होते तो मे बी हमारा भी ये रिएक्शन हो सकता था कि हम अगर कोई ऐसा लेटर देखते तो हंसी आ जाती. सेम उसके साथ भी हुआ, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. लेकिन इमीडिएटली क्या हुआ, वो सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने क्या किया, लेटर को एकदम से टैप किया डेस्क पे और कमेंट किया, क्या बोला, व्हाट अ फेथ, कितना विश्वास है इस बंदे को. आई विश कि मेरे अंदर भी ये फेथ होता इस आदमी की तरह जिसने ये लेटर लिखा है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसका विश्वास कैसे बना, उसने क्या स्टार्ट किया, कॉरेस्पॉन्डेंस. कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर विद समवन, किसके साथ है, समवन हियर इज गॉड. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वो क्या सोचता है, वो कहता है कि मैं नहीं चाहता जिस भी बंदे ने ये लेटर लिखा है ना, कि उसका जो विश्वास है वो भगवान से हिले. पोस्टमास्टर जो है वो कहता है, मेरे पास एक आइडिया है कि हम लोग क्या करेंगे, इस लेटर का जवाब देंगे. और जब वो उसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, उसे लगता है कि मेरा ज़रूरी है इसका आंसर देना. इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल,
कि उसको जिसने ये लेटर लिखा है उसे गुडविल के अलावा, गुडविल यानी क्या है कि कोई हेल्प के अलावा, फ्रेंडली कुछ नॉर्मल हेल्प के अलावा उसको कुछ और भी चाहिए, इंक पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए, लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन क्या होता है? फॉर्म डिसीजन, कि सोच लिया तो सोच लिया, भाई हेल्प करनी है तो करनी है, जैसे भी करो. उसने क्या मान, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. उसने अपने एम्प्लॉयज़ से बोला कि हम लोग मिल के हेल्प करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे सभी दे दो. उसने अपनी भी सैलरी का थोड़ा सा पार्ट दिया और अपने फ्रेंड से भी लिया, ठीक है. और सभी फ्रेंड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा ओब्लाइज्ड फील किया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील किया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो समथिंग कुछ ऐसा कर रहे थे फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो मन में अच्छा लगता, उन्हें भी लग रहा था कि चैरिटी का काम है. दे ऑल वर ओब्लाइज्ड. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर. देखो ये तो बहुत मुश्किल था सबके लिए कि इकट्ठे हम लोग 100 pesos कर सकें. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर. तो वो लोग फार्मर को कितने भेज पाए? लिटल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मीन्स 50 से थोड़ा सा ज़्यादा. उन्होंने क्या किया, मनी को एनवेलप में डाला, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को भेजा, एंड राइट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. और उस लेटर में सिर्फ उन्होंने एक सिंगल वर्ड लिखा सिग्नेचर के, किसके नाम के? गॉड के नाम के. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर. अब क्या हुआ, लेंचो जो है अपने टाइम से थोड़ी सी जल्दी आ गया. जल्दी क्यों आया? इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ऑब्वियसली वो क्यूरियस था, उसको नीड थी, वो देखने आता है कि लेटर आया या नहीं आया. तो जो पोस्टमैन था वो खुद जाता है. पोस्टमैन कौन सा? वही जिसने लेटर को निकाला था, जो हंसता हुआ गया था. इट वॉज द, वो खुद आता है, हु हैंडेड द लेटर टू हिम. याद आया ना, वो खुद जाता है उसको लेटर देने के लिए. जबकि जो पोस्टमास्टर होता है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. और जबकि जो पोस्टमास्टर होता है, जिसके अंदर, जिसने क्या एक्सपीरियंस किया, कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन. एक सेटिस्फैक्शन थी उसको कि उसने एक अच्छा काम किया, और वही सेटिस्फैक्शन वो उस आदमी के फेस पे भी देखना चाहता था, और उसके मन में भी थी कि उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया, गुड डीड यानी अच्छा काम किया. लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में बैठा बैठा वहाँ पर देख रहा होता है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. लेंचो जो था वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसने क्या किया, थोड़ा सा भी वो सरप्राइज नहीं हुआ देख के, बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं हुआ. बट ही बिकेम एंग्री एंड वेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया जब उसने पैसे काउंट किए. क्यों? वो कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. उसका फेथ इतना फर्म था कि वो कहता है भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते हैं. नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. वो मुझे कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं जो भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. अब लेंचो क्या करता है, फटाफट भाग के दोबारा से विंडो पे जाता है. किस लिए? वो पेपर मांगता है, इंक मांगता है. क्यों मांग रहा है? अब वो दोबारा एक लेटर लिखता है. इसलिए ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है, फिर से लिखने लगता है. कैसे? रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज. रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ हम कुछ करते हैं, तो आप देखते हैं ना हमारे जो ब्रोज होती हैं वो थोड़ी सी रिंकल करने लग जाती हैं, मतलब थोड़ी सी लाइन सी क्रिएट हो जाती हैं, ऐसे होता है. कॉज्ड क्योंकि वो एफर्ट करता है अपनी दोबारा से लेटर राइट करने की और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प. और जब वो ख़त्म करता है तो वो विंडो पे जाता है अपना लेटर फिनिश होने के बाद, वहाँ से एक स्टैम्प लेता है. व्हेन ही लिक्ड, लिक्ड क्या होता है? थूक लगाना. वो जीप से क्या करता है, उसको लिक करता है. एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफिस फीस्ट. ब्लो ऑफिस फीस्ट, फीस्ट क्या होता है? मुट्ठी से, मुट्ठी से एकदम दबाना, एंड ब्लो यानी फूक मारना. फिर उसको फूक मार के सुखाता है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. ऑब्वियसली जैसे ही उसने वो दूसरा वाला लेटर मेल बॉक्स में डाला तो पोस्टमास्टर जो फटाफट भाग के जाता है उसको खोलने के लिए. उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने तो एक अच्छा काम किया, ठीक है. तो क्या होता है कि एज सून एज जब वो उसको ओपन करता है तो वो क्या देखता है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड वेरी मच. वो कहता है भगवान जी आपने क्या किया है, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos मिले हैं मेरे को. आई टोल्ड यू
कि मोर देन हाफ मीन्स 50 से कुछ ज़्यादा थे, 70 थे मीन्स कि उतने मुझे पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए भी मुझे भेज दो सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये जो पैसे हैं मुझे मेल में मत भेजना. क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, अरे बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स यानी चीटर्स, धोखेबाज. वो क्या कहता है, मतलब उसको क्या लग रहा है कि जो बचे हुए रिमेनिंग 30 पीसोज थे ना, वो किसने निकाल लिए, इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने. तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो डाउट कर रहा है किसकी इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. That's why he is giving suggestion that the money should not be sent via post, because he doubted that the staff at the post office must have stolen the missing amount. I hope you understand it, but please don't forget to subscribe my channel, that is Enjoy English with Bhavya Ma'am.